जिंदगी किधर गई। तुम्हारी फूफो बता रही थी कि कमिंग फ्राइडे तुम जिया से निकाह कर रहे हो। हाँ हसन, तुम ठीक नहीं कर रहे। क्यों? तुम्हें और क्या करोगे? मरियम तलाक मांग रही है मुझसे। तुम क्या चाहती? मैं उस वक्त का इंतजार करूं जब मेरी जिंदगी में और कोई ना हो, मैं अकेला रह जाऊं? मैं समझ सकती हूँ तुम किस चीज से गुजर रहे हो। नहीं समझ रही। तुम नहीं समझ रही। तुम भी नहीं और वो नौशीन भी नहीं। मेरे दिल का हाल तो कोई भी नहीं समझ रहा इस वक्त। क्या कभी तुमने किसी से इतनी मोहब्बत की जितनी मैंने मरियम से की? क्या जिंदगी में कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया जिस तरह मुझे दिया गया? नहीं ना। चुप हो गए ना तुम? चुप ही रहो तुम। वो सब ठीक है अपनी जगह। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? मतलब निकाह तो तुम बाद में भी कर सकते हो। मेरे पास तो जवाब है निकाह जल्दी करने का। तुम्हारे पास क्या वजह कि मैं निकाह ना करूं? बोलो। फूफो ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर मैंने जिया से निकाह नहीं किया तो वो घर छोड़ के चली जाएंगी। क्या करूं? उन्हें जाने दो, लेकिन किस भरोसे में? बोलो। उस वक्त तुम इस मामले से दूरी रहो, बल्कि मैं तो कहता तुम वापस ही चले जाओ। क्या हसन? प्लीज बैठ बैठ। हसन यार, सब गड़बड़ हो गया यार। सारा का फोन आया था, वो ऐसे बिगड़ रही थी मेरे से जैसे अब कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। हुआ क्या है? खुल के बता मुझे। यार मरियम को मैंने ही बताया था कि हसन और जिया का निकाह हो चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ वो तो मुझे भी पता, लेकिन हसन और जिया का निकाह नहीं हुआ ये सारा किसने बताया? यार पता नहीं किसने बताई और क्यों बताई, मगर मुझे नहीं उनसे ये बात करनी चाहिए थी। मेरे से तो होगी ना वो नाराज। अब पता नहीं यार मैं उसे कभी भी मना पाऊंगा या नहीं। और वो ये भी कह रही थी कि हसन को जल्द पता चल जाएगा कि मरियम पे लगाए सारे इल्जाम झूठे हैं। तुम्हें क्या लगता है सलमान की अम्मी अब क्या करेंगी? रोक पाएंगी वो उसे मरियम का घर तोड़ना सा? मुझे सलमान और उसकी अम्मी की कोई फिक्र नहीं है। मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ हसन और मरियम की। तो जैसा सलमान की अम्मी को बताया वैसे जाके हसन को भी बता दो, इसमें क्या मसला है? बताया था, उसे यकीन नहीं आया। उसके जहन में इतना जहर घोला जा चुका है कि मरियम के मुतल्लिक कोई भी बात हो उसके हक में हो वो यकीन नहीं करता। तुम कहना क्या चाहती हो? मरियम की सच्चाई तो सिर्फ तब साबित हो सकती है जब हमारे पास कोई ठोस सबूत होगा। क्या मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम हो वो ठोस सबूत। अगर तुम चली गई और हमने लंदन से वो रिपोर्ट्स मंगवा भी ली, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो शख्स ही देखी जाएंगी। वही रिपोर्ट से साबित कर सकती है कि सलमान में बाप बनने की सलाहियत नहीं है, और वही रिपोर्ट ये भी साबित कर लेगी कि मरियम हसन के बच्चे की मां बनने वाली है। तो इसमें मुश्किल क्या है? रिपोर्ट दिखा दो उसको, वो मान जाएगा। मुझे क्यों घसीट रही हो इस सब में तुम? अगर तुम चली गई तो उस रिपोर्ट की हैसियत बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
सलमान को तो तुम जानती हो, वो किसी भी सबूत को जुटला सकता है। और बिचारी मरियम, वो सारी जिंदगी एक नाकर्दा गुनाह की सजा काटेगी। डीएनए रिपोर्ट, उससे कोई भी साबित कर सकता है कि बच्चा किसका। तुम इस सब में मुझे क्यों घसीट रही हो? वो मरियम को बेवफा समझता है, उसके हक में कही हुई कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे तो डर है कि वो जिया से निकाह कर भी लेगा और मरियम फिर से सलमान से शादी कर लेगी। देखो, मैं टिकट करा चुकी, मैं किसी अजनबी लड़की के लिए इस हद तक नहीं जा सकती। ये सब तुम्हें मुबारक हो, तुम ही करो ये सब, प्लीज, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें खामखा यहाँ पे बुलाया। इससे तो अच्छा था तुम यहाँ आती ही ना। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। देख लिया तुमने, बड़े घर और अमीर लोगों में बेटी ब्याहने का अंजाम क्या कहकर गया वो, जो रुसवाई घर के बाहर खड़ी थी, अब वो दीवारें फैलाकर घर के अंदर आ चुकी। क्या ख्याल है, लोग अपनी बेटियों को अच्छे घरानों में ब्याहने से मना कर दें सिर्फ इसलिए कि लड़का बहुत अमीर है, अच्छा है? ना तुम सलमान की माँ की बातों में आकर मेरी बेटी की जिंदगी खराब करती, ना आज वो इस कयामत से दो चार होती। इसका मतलब है सारा कसूर मेरा है, हैं? तो और किसका बताओ? 15 दिन के अंदर बेटी की शादी क्यों की? अरे हम बेटी वाले, 15 दिन के नोटिस पे बेटी को किसी के हवाले नहीं करना चाहिए था। इस तरह तो वो लोग भी नहीं करते जो अपनी बेटियों को बेचते हैं। हम तो शरीफ और खानदानी लोग हैं। तो मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप? माओं का फर्ज होता है बेटियों के अच्छे रिश्ते ढूंढना और बाप का फर्ज होता है तफ्तीश करना उन रिश्तों की। अपना काम तो आपने किया नहीं, सारा इल्जाम मेरे पे थोप दिया। अच्छा अच्छा, बस करो ये बात। मुझे तो ये ख्याल ही नहीं रहा कि इस वक्त मेरी बेटी को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। मैं मरियम को देखकर आता हूं। मुझे लगता है कि अब इस कहानी को अपने अख्तिताम पे पहुंचाने का वक्त आ गया है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये कहानी तुमने लिखी हो। हम यहाँ सलमान की अम्मी से मिलने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे नहीं मिलना सलमान की अम्मी से। वो एक सवाल जो तुम हर वक्त मुझसे करती रहती हो ना, उस सवाल के जवाब देने का वक्त आ गया है। तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तुम्हें सलमान की अम्मी को सब कुछ सच सच बताना होगा कि तुमने सलमान को क्यों छोड़ा। आइए बैठे प्लीज। तुम तो पहले भी आती रही हो ना? आप अपने बेटे के साथ मिलकर मेरे दोस्त हसन और एक मासूम लड़की का घर जो बर्बाद करने जा रही है ना, एक बात गौर से सुन लीजिए मैडम, मैं आपको कामयाब होने नहीं दूंगी। तुम अपने सेंसेस में हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। अभी तो बताया इसने आपको कि आपको और आपके इरादों को कामयाब नहीं होने देगी। अच्छा, तो तुम लोग मुझे और मेरे बेटे को रोकोगे? तुम होती कौन हो रोकने वाली?
मैं दोस्त हूँ हसन की और अब मरियम की भी, और अगर आप मुझे गौर से देखेंगे तो शायद मैं भी आपको याद आ जाऊंगी। मैं शानज़े हूँ, सलमान की एक्स वाइफ। ओह अच्छा, अब समझी मैं। जिस तरह तुमने पहले मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाया था, इस बार भी तुम यही चाह रही हो, उसको वरगला रही हो कि वो मरियम से शादी ना कर सके। आप गलत सोच रही हैं, मुझे आपके फजूल बेटे में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर होगा मैम कि आप हसन का बसा बसाया घर उजाड़ने से बाज आ जाए, वरना वरना क्या, वरना मैं आपको और आपके बेटे को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने क्या बात कर रही हो? आप सुनना चाहती है ना, तो फिर ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ। हसन उस बेगुनाह लड़की को सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है कि उस बेचारी पे ये इल्जाम लगाया गया है कि उसका होने वाला बच्चा हसन का नहीं सलमान का है। हालांकि सलमान बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता। हो गई खुश आप, आ गया हसन। एहसास है तुम्हें कुछ? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? अपनी मां से शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये सारा कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं, ये सारी कोशिशें मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं, और तुम चाहती हो कि मेरी कोशिशें रायगा चली जाए। मैंने कुछ नहीं किया। जो किया आपने किया, मैं तो बस आपका एक मोहरा थी ना। क्या हो गया तुम्हें? अरे मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर पर राज करो, हसन की जिंदगी पर राज करो। बस करे अम्मा, मुझे किसी की जिंदगी पर राज नहीं करना। आपने जो भी ख्वाब दिखाए हैं उनमें से कोई भी पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं बनना आपकी साजिशों में किसी किस्म का हिस्सा। मैं जा रही हूँ, माफ करें मुझे। जी आप हेलो। हाँ सारा, मैं उज़मा बोल रही हूँ। प्लीज एक मिनट ज़रा मेरी बात बहुत गौर से सुनना। तुम प्लीज़ मरियम से कह दो कि वो सलमान से शादी पर राज़ी मत हो। अम्मी अबू दोनों इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। सारा प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, सलमान एक अच्छा आदमी नहीं है। कम से कम अपने माँ बाप को तो मनाने की कोशिश करो। तुम ये हम सब जानते हैं, मगर मगर क्या? मरियम का होने वाला बच्चा उनकी मजबूरी बन चुका है, और हसन भाई ने जिया से शादी कर ली तो मरियम की सारी जिंदगी उन सवालों के जवाब में गुजर जाएगी जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन सारा प्लीज माइंड मत कीजिए, आप मरियम से ऐसी बातें मत किया करें। Thank you.
मरियम परेशान हो बेटा, हसन निकाह कर रहा है ना, और तुम समझ रही हो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं अगर तुम्हारी पहली शादी की बात ना छुपाती तो ये सब कुछ ना होता। मुझे पता है तुम यही सोच रही हो, ठीक सोच रही हो तुम। मैं तुम्हारे गुनाहगार हूं बेटा, तुमसे माफी मांगे आई हूं, अपनी माँ को माफ कर दो। मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती मरियम, मेरा दिल कटता है, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती की है, मैंने तुम्हारी पहली शादी की बात छुपाई है, लेकिन बेटा माएं ऐसी गलतियां करती हैं। हर माँ की ख्वाहिश होती है उसकी बेटी अपने घर में आबाद रहे। ये मेरी गलती जिसे तुम गुनाह समझ रही हो ना, ये एक औरत ने नहीं किया, ये जैनब ने नहीं किया, ये गुनाह एक माँ से सरजद हुआ है बेटा। माँ ऐसी गलतियां करती है अपनी बेटियों को आबाद रखने के लिए। मुझे पता होता ना कि मेरी इतनी छोटी सी गलती तुम्हें बर्बाद कर देगी, मैं ये नहीं करती। माफ कर दो मरियम, माफ कर दो अपनी माँ को। बेटा मर्द की साथ जो है ना कच्ची मिट्टी से बनी हुई होती, सारा सा पानी पड़ता है, जगह जगह से झड़ जाती है। वो तो बहुत दावे करता था तुम्हारी मोहब्बत का, इतनी कमजोर थी उसकी मोहब्बत, उसकी मोहब्बत का दामन इतना तंग था, एक छोटी सी गलती नहीं समा सकी उसमें, ये कैसी मोहब्बत थी उसकी। मुझे अब किसी की भी मोहब्बत पर अतबार नहीं रहा मम्मी। किसी की भी मरियम, चलती हूँ, तुम एयरपोर्ट तो छोड़ने नहीं जाओगी मुझे। एक्चुअली आई डोंट वरी, आई हैव माय राइड। हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। गिफ्ट? उस रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे पास थी, तुम्हें उसकी जरूरत है तो मैंने सोचा तुम्हारे काम आ जाएगी। शानज़े थैंक यू। यू आर वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। यू टू। देखो देखो मरियम, तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है, तीसरी बार तुम्हारा छक्का आया। मरियम कभी पार्टी से बैठ भी कर लिया करो भी मेरे साथ, तुम्हारी गोटियां भी मैं ही चल रही हूँ, पता है तुम्हें। मरियम क्या हो गया तुम्हें? लगता है मम्मी आ गई है, कब से वेट कर रही थी। आ रही हूं। आ रही हूं भाई।
तुम्हें हिसाब देना होगा अपनी बेवफाई का और मेरी मोहब्बत का। बोलो क्या समझा तुमने, क्या समझते हो तुम मुझे? बकवास बंद करो अपनी, बहुत हो गया तुम्हारा। कितना धोखा दूंगी तुम मुझे? नौशीन की अम्मी का भाला बना के तुम उससे मिलने जाया करती थी। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भोलापन सब एक धोखा था। धोखा दिया तुमने मुझे, धोखेबाज हो तुम। बस बस कर दे, मैं और नहीं सुन सकती। हाँ मैं गुनेगार, हाँ मैंने धोखा दिया, मगर आपको और आपकी मोहब्बत को मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मुझे या मेरे किसी अपने को शर्मिंदा होना पड़े। हाँ मुझे बोलना नहीं आता, अपने हक के लिए खड़ा होना नहीं आता, लेकिन मैं इतना जानती हूं मैं आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। कितने झूठ बोलोगी तुम मुझसे? मैं तुम्हारी झूठ सच की कहानी सुनने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अगर मैं तड़पूंगा ना तो तुम्हें भी तड़पाऊंगा। क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सुना तुमने, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। कैसे नहीं दोगे तलाक तुम? समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ तलाक नहीं दोगे तुम, तलाक नहीं दोगे तो हम कोर्ट जाके तुमसे तलाक लेंगे। समझते हो तुम? हाँ औरत के पीछे छुप के तुमने वार किया है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हसन क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ूंगा तुम्हें। हसन प्लीज बस कर दे, बस कर दे। तुम होते कौन हो मेरी तलाक करवाने वाले? हाँ मैं कौन हूं? हाँ कोई मोम की गुड़िया हूं मैं? कौन हूं मैं? तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? तुमने शादी की पहली रात मुझे तलाक दे दी, मेरा चेहरा देखे बगैर तुमने मुझे तलाक दे दी थी, और अब ऐसे हक जताने आए हो जैसे तुमने तलाक नहीं कोई तोहफा दिया। तुम क्या समझते हो, तलाक कोई खेल है कि जब चाहे उसके साथ खेल लिया जाए, जब चाहे किसी को भी निकाल दिया जाए उस खेल से? नहीं, मैं कौन हूं मुझे बताओ। तुम्हें क्या लगता है कि इन सब के बाद मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है? मैं कौन हूं? इधर देखो मुझे, देखो मुझे, मैं इंसान हूं, तुम दोनों की तरह मैं इंसान हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी मां को लालच दोगे तो मैं तुम्हें अपना लूंगी, इस बच्चे को मैं तुम्हारा नाम दूंगी, मैं इस बच्चे को मार डालूंगी लेकिन तुम्हारा नाम हरगिज़ नहीं दूंगी, समझे तुम? तुम्हारा घटिया साया इसके आस पास भी नहीं पड़ने दूंगी मैं। निकल जाओ यहां से। मैं कह रही हूं निकलो यहां से, निकलो, जाओ, मैं कह रही हूं जाओ, जाओ यहां से। और तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारी मरियम, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी मरियम किसी और की भी हो सकती है? कैसे? तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, जिसे तुम धोखा कहते हो ना वही सच है। मैंने कितनी बार कोशिश की कि मैं तुम्हें बताऊं लेकिन मैं नाकाम रही, रोती रही, डरती रही कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। मेरी मां मुझे डराती रही कि मर्द इतने बड़े जर्फ के मालिक नहीं होते,
घर से निकाल देगा वो तुम्हें। लेकिन मैंने सोचा नहीं, यश और मुझे बहुत बहुत मोहब्बत करता है, मुझे माफ कर देगा, एक छोटी सी गलती के लिए मुझे माफ कर देगा। लेकिन नहीं, मेरी माँ ठीक कहती थी, जिस चीज का डर मेरी माँ मेरी बहन को था वो बिल्कुल सही निकला, तो वैसे ही निकले। तुमने सबका यकीन किया, सबका यकीन किया, लेकिन अपनी बीवी, मेरा यकीन नहीं किया तुमने हसन, तुम्हारी मरियम पे तुमने यकीन नहीं किया हसन। तुम जानते क्या हो हसन शराज, हाँ, एक औरत कोई भी झूठ बोल सकती है, कोई भी झूठ, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को गाली बना के कभी भी पैदा नहीं कर सकती इस दुनिया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है हसन, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी, बड़ा करूंगी, एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, उस घटिया इंसान की तरह या तुम्हारी तरह नहीं बनाऊंगी इसे, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी माँ की जरूरत है और किसी की भी नहीं। मैं दूंगी उसे प्यार, मैं दूंगी उसे ना। चले जाओ तुम भी, चले जाओ तुम भी। अगर तुम इसे मोहब्बत कहते हो तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत, नहीं नहीं चाहिए, नहीं करनी मुझे किसी से भी शादी, मुझे नफरत में शादी से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मरियम, 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 अरे ये क्या, मरियम, मरियम, वाइफ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। हम इस सिचुएशन में हम दोनों में से किसी एक ही को बचा सकते हैं। प्लीज मेरी बीवी को बचा ले, मरियम को बचा ले। ये आपका फाइनल डिसीजन है? ओके ओके। ये है तुम्हारे सवाल का जवाब, नहीं हूं मैं तुम्हारी मां। क्या ऐसे होते हैं बेटे जो अपनी मां को दूसरों के सामने जलील कराते रहे, उसको किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े? अरे तुम जैसे बेटे से तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहती। आपको किसी ने गलत, बस बस सलमान बस, और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? तुम समझ जाते कि मैं कुछ नहीं जान सकूंगी? मैं सब जानती हूं कि किस किस तरह से तुमने उस मासूम मरियम को बर्बाद करने के लिए हसन की पुप्पो के साथ साजिशें की, किस लिए? अरे अरे तुम बाप नहीं बन सकते तो ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है जिसके लिए तुमने एक बच्चे से उसका बाप छीन लिया और उस बच्चे को अपनी वल्दियत का नाम देने के लिए मंसूबा बनाया, इतना घिनौना मंसूबा, और बात करने का मंसूबा। क्यों? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये लंदन नहीं, ये पाकिस्तान है सलमान, यहाँ पर रिश्तों की वैल्यूज है जिसको तुम कभी नहीं समझ पाए। यहाँ पर मियां बीवी का रिश्ता इतना नाजुक, इतना कमजोर नहीं होता जिसे कोई भी बाहर से आने वाला शख्स जब चाहे तोड़ दे। क्या मिला तुम्हें सलमान, ये सब कुछ करके क्या मिला? क्या तुमने मरियम को बर्बाद कर दिया?
घर टूट गया उसका। नहीं ना, नहीं, देख लो कैसे लालची फकीर की तरह खाली हाथ मेरे सामने खड़े हुए हो। रुको, सुबह होने तक मैं तुम्हारी शक्ल यहां नहीं देखना चाहती। अपना सामान पैक करो और जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। वहां क्या कह रही? मर गए तुम मेरे लिए। मुबारक हो संता, आपकी वाइफ और बच्चा दोनों खैरियत से। मैं मिलता हूँ मरियम से। अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब रूम में शिफ्ट कर ले तो आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। या अरे जिया, क्या हो गया? चाय क्यों नहीं बनी अभी तक? मेहमान इंतजार कर रहे हैं, हसन और मरियम नहीं आने वाले। काश मैं आपकी बातों में ना आई होती और आपकी साजिशों में हिस्सा ना लिया होता तो मैं आज घर की नौकरानी ना होती। हसन के सामने आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे नाशुक्री लड़की, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि छत सर पर है, दो रोटी इज्जत के सुकून से मिल जाती है। वरना हसन इतना नाराज था कि हमें घर से बाहर निकाल देता। शुक्र अदा करो घर से बाहर नहीं निकाला। बहुत बदल गई आप अम्मी। चाय बनाने दे मुझे। देखो मरियम, तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, शायद तुम मुझे कभी माफ ना करो। तुम तो क्या, मैं खुद भी शायद अपने आप को कभी माफ ना करूं, खुद का सामना नहीं कर पाऊंगा मैं। मैं शायद ये हक भी खो चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कहना चाहता हूं, मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम आज भी मेरी मरियम हो, सिर्फ मेरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मरियम, मरियम प्लीज घर चलो। Please.
मैं तुम्हारी मरियम, सिर्फ तुम्हारी। जिंदगी किधर गई।